नमस्कार, प्रभा साक्षी के डेली न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना द्विवेदी। आइए डालते हैं एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। अखिलेश ने कहा, तिलमिलाई भाजपा कर रही है मुझे बदनाम करने की साजिश। फिटनेस चैलेंज पर कुमारस्वामी ने पीएम मोदी को दिया तीखा जवाब। मनीष सिसोदिया ने भी एलजी ऑफिस में शुरू की भूख हड़ताल। असम में पीट पीट कर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भैयू महाराज के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े भक्त। मौत की सीबीआई जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा कर रही है उन्हें बदनाम करने की साजिश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल में अपने सरकारी बंगले में कथित तोड़फोड़ को लेकर किए जा रहे प्रचार को उन्हें बदनाम करने की सरकारी साजिश करार देते हुए आज कहा कि हाल के उपचुनावों में मिली हार और विपक्षी दलों के गठबंधन से परेशान भाजपा ने यह ओछी हरकत की है। बंगले में तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ने के बाद सपा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी और भाजपा पर जमकर बरसे। फिटनेस चैलेंज पर कुमारस्वामी ने पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिली फिटनेस चुनौती के जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वह राज्य को फिट बनाने को लेकर ज्यादा चिंता रखते हैं। इसके लिए उन्होंने मोदी से मदद भी मांगी। कुमारस्वामी ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल @CM of Karnataka पर ट्वीट किया, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मेरी सेहत के प्रति चिंता जताने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा मानना है कि शारीरिक तंदुरुस्ती सभी के लिए आवश्यक होती है और इसका मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि योग ट्रेडमिल मेरे नियमित व्यायाम का हिस्सा हैं, फिर भी मैं अपने राज्य के विकास की तंदुरुस्ती के प्रति ज़्यादा चिंता रखता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मनीष सिसोदिया ने भी अब एलजी ऑफिस में शुरू की भूख हड़ताल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में आज से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों ने इस तरह से दूसरी रात भी उपराज्यपाल के कार्यालय में बिताई। आप सरकार की मांगों में यह भी शामिल है कि उपराज्यपाल IAS अधिकारियों को उनकी हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने 4 महीने से काम को अवरुद्ध कर रखा है। असम में पीट पीट कर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। असम में भीड़ द्वारा 2 युवकों की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी को आज तड़के कार्बी आंगलोंग जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही शुक्रवार को कार्बी आंगलोंग में 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या करने और घृणा संदेश एवं अफवाहें फैलाने के संबंध में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 64 हो गई है। पुलिस अधीक्षक SP गंजाला ने बताया कि कार्बी आंगलोंग पुलिस ने डोक मोका पुलिस थाने के तहत आने वाले बेलूर घाट इलाके से मुख्य आरोपी जोज तिमुंग उर्फ अल्फा को गिरफ्तार किया। यह घटना इसी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी। भैयू महाराज के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े भक्तजन। मौत की CBI जांच की मांग। अपने आवास पर गोली मारकर खुदकुशी करने वाले आध्यात्मिक संत भैयू महाराज के अंतिम दर्शन के लिए आज यहां उनके आश्रम में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बीच संत के गमगीन अनुयायियों ने उनकी मृत्यु के पीछे साजिश का संदेह जताते हुए CBI जांच की मांग की है। भैयू महाराज का पार्थिव देह को उनके बापट चौराहा स्थित आश्रम में लाया गया। भैयू महाराज के अनुयायी संभाजी देशमुख ने संवाददाताओं से कहा कि उनके गुरु कायर नहीं थे और आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने दावा किया कि महाराज को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले भी प्रयास किए जाते रहे हैं। तो यह थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर से इसी समय मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।